इस वक्त की खबर आपको बता दें कि ताजमहल की मीनार के पीछे युवक पहुंच गया। करीब 30 मिनट तक युवक वीडियो कॉल पर बात करता रहा। इतनी सुरक्षा के बाद भी मीनार के पीछे युवक कैसे पहुंचा, एक बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की खबर आ रही है ताजमहल से, जहां पर मीनार के पीछे युवक पहुंच गया। करीब 30 मिनट तक युवक मीनार के पीछे वीडियो कॉल करता रहा। एक बार फिर बता दें कि ताजमहल की मीनार के पीछे युवक पहुंच गया। करीब 30 मिनट तक युवक वीडियो कॉल करता रहा। इतनी सुरक्षा के बाद भी मीनार के पीछे युवक कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी गोपाल, क्या इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी युवक कैसे पहुंचा? मनीषा, आपको बता दूं कि जो ताजमहल का मुख्य गुम्बद है, वहां पर जिस तरह से जो सीआईएसएफ और एएसआई कर्मचारियों का कड़ा पहरा देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन 25 से 30 मिनट एक युवक मीनार के पीछे देखा गया, वो जो कि एक कह सकते हैं कि एक वीडियो कॉलिंग, उस दौरान वीडियो कॉलिंग भी करता हुआ देखा गया। जिस तरह से अगर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जो कड़ी व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से फेल नजर आ रही है। जिस तरह से अगर बातें किए जाते थे ताजमहल की सुरक्षा में, तो वो एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि ताजमहल की मीनार के पीछे अगर युवक वहां से कोई अनहोनी कर लेता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? जिस तरह से जो दावे किए जाते थे सुरक्षा को लेकर, तो वहाँ जो एरिया है वहाँ कोई किसी पर्यटक की जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 30 मिनट तक वहाँ युवक देखा गया। गोपाल, क्या युवक को हिरासत में ले लिया गया है? युवक कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि अभी तक किस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है कि युवक एक्चुअली में क्या है। आपको बता दूं कि शनिवार की अगर बात की जाए तो करीबन 50,000 पर्यटक कार खरीदार करने आए थे, और अगर बात की जाए उसको देखते हुए यहां से अगर युवक है, जब तक जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जब सूचना पहुंची तो तब तक युवक वहां से निकल चुका था। तो इसी तरह अगर बात की जाए तो एक लापरवाही, जो कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही देखी गई थी, क्योंकि यहाँ से युवक कुछ भी कर सकता था। एक अनहोनी होने की संभावना दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो युवती थी उसे नाराज होकर युवक काफी देर तक पीछे देखने को मिला था। जब युवती उसे मनाने के लिए जब लेने के लिए वापस आई तो उसने उसको भी वापस भेज दिया था। तो ये एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है कि मीनार के पीछे युवक कैसे पहुंच गया। करीबन 30 मिनट तक वहां पर आई तो इस दौरान सीआईएसएफ और जो एएसआई कर्मचारी हैं वो कहां थे, उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी? तो ये इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, और कड़ा पहरा होने के बावजूद भी एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। जी गोपाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता दें कि ताजमहल की मीनार के पीछे युवक पहुंच गया। करीब 30 मिनट तक युवक वीडियो कॉलिंग पर बात करता रहा। इतनी सुरक्षा के बाद भी मीनार के पीछे युवक कैसे पहुंचा, एक बहुत बड़ा सवाल है। बता दें कि सीआईएसएफ और एएसआई के कड़े पहरे के बाद भी युवक मीनार के पीछे पहुंच गया। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता?